हेलो दोस्तों, आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टेनो होता क्या है, इसके बारे में पहले हम जानकारी ले लेते हैं कुछ। तो स्टेनो शॉर्ट हैंड क्या होता है और इसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। यह भाषा सामान्य शब्दों को तेज गति से लिखने के लिए काम में ली जाती है। ज़्यादातर पत्रकार लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड तेज गति से लिखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। शॉर्ट हैंड को हिंदी में आशुलिपि कहते हैं, जो कि तेज गति से लिखने के लिए काम में ली जाती है। इंसान के बोलने तक की स्पीड को शॉर्ट हैंड के द्वारा तेज गति से लिखा जा सकता है। शॉर्ट हैंड, आशुलिपि और स्टेनो एक ही चीज़ होती है, हम अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। इसे लिखने वाले को हम स्टेनोग्राफर या आशुलिपि कहते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड को जानने से पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों को हम जान लेते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, जैसे कि हम एक पहले बात करते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि हम इंग्लिश से ही शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इंग्लिश अगर हम कहीं सीखने जाते हैं तो हमें क्या कोई लिखना और बोलना सिखा दिया जाता है? नहीं ना। तो इसी प्रकार से हमें ये भी, हम डायरेक्ट लिखना नहीं सीख सकते हैं शॉर्ट हैंड, इसलिए इसका हमको बेसिक जानना पड़ेगा। जैसे कि हम इंग्लिश सीखने के लिए ABCD सीखते हैं, तो हमें शॉर्ट हैंड सीखने के लिए भी ABCD की आवश्यकता पड़ती है। तो हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलिए, बेसिक में हमारा ये आता है, हमारे जो बेसिक में जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में वोवेल, कॉन्सोनेंट और डिप्थोंग्स होते हैं, ठीक है। तो जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट्स 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 12 वोवेल्स होते हैं और 4 डिप्थोंग्स हमारे होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट डे हम ये हमारे कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, तो 20 कॉन्सोनेंट्स के बारे में आज जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, जो कि PBT DCHJKGFVITDSZ SZMNING LR WAN H है, ठीक है। तो इसे हम कैरेक्टर में किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा 24 कॉन्सोनेंट्स तो हो गए और ये हमारा कैरेक्टर। पहले हम ये जानते हैं कि मैंने जो हमारा जो इंग्लिश जो मैंने लिखा है वर्ड, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से पढ़ा, ठीक है। क्यों पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। मैं PBT DCHJ मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें लिखना होता है चेस्ट, एच, तो हम चे ही बोलते हैं, तो चेस्ट को चेस्ट ही बोलेंगे और एच एच बोलेंगे, ठीक है। तो चे हम इसलिए बोलते हैं, हम च भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमको बोलना होगा एच, तो यहाँ च आया, और हमको बोलना होगा चेस्ट, तो हमें यहाँ चे का यूज आया। उसी प्रकार से हमें बोलना पड़ता है। और आगे देखते हैं हमारा क्या है, जे, इसे हम क्या बोलेंगे, जेस्ट, एज बोल सकते हैं, तो हमें ये इसे जे बोलना पड़ता है। जैसे कि के है, तो के को हम क्या बोलते हैं, के लिक, है ना। तो आगे जो हमारा है गे, तो ये जो हमारा गे है, इसे हम गेन, लीग, तो हम ग और गे दोनों बोलते हैं। एफ, आगे जो हमारा है एफ को फैट, सेफ बोलते हैं। वी है, इत है, दी है, एस है, जेड, तो इसी प्रकार से हम ये इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा ये करेक्टर, इसे हम शॉर्ट हैंड में किस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो हमें इसे हम, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। ये हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, जो कि हमारे शॉर्ट हैंड का बेस है। ये हमें शॉर्ट हैंड लिखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए मैं इसे शॉर्ट हैंड में मैं लिख करके दिखाता हूँ आपको, जो कि आपको माइंड में रखना है हमेशा के लिए। और आगे मैं जो वोवेल्स बताने वाला हूँ वो भी आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा।
और आगे डिप्थोंग्स भी। तो चलिए मैं आपको पहले कॉन्सोनेंट्स के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इसका कैरेक्टर क्या होता है वो मैं आपको लिखता हूँ। तो हमारा जो पी होता है वो हमारा स्टेट स्टॉक होता है, ठीक है। तो स्टॉक्स के बारे में मैं जो भी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा, तो पहले मैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ, लिख देता हूँ। 24 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो पी हमारा क्या होता है, ये हमारा लाइट होता है, लाइट पी होता है। और बी हमारा डार्क होता है, डार्क। और जो हमारा टी होता है 90 डिग्री में लाइट होता है, और 90 डिग्री में डी हमारा जो होता है डार्क होता है। और च हमारा ये होता है लाइट में, ज हमारा डार्क में होता है, के हमारा लाइट में होता है, गे हमारा जो है जी गे जो हमारा है उसे हम डार्क में लिखते हैं, ठीक है। एफ हमारा कर्व में होता है लाइट में, भी हमारा जो होता है वो डार्क में होता है, इथ जो हमारा होता है, इथ जो हमारा होता है लाइट में होता है, और जो दी होता है वो डार्क में होता है, और एस जो हमारा होता है लाइट में होता है, जिसे हम आगे हम इसे हम वाज भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये बारे में ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम खाली अभी ये समझते हैं कि एस हमारा इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है। और जो एस जो और जेड जो है जी ये हमारा होता है डार्क में, और जो इस है वो हमारा इस प्रकार से होता है, इसे हम बाद में हम सेल भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है। और जो एस इस जो है हमारा लाइट में होता है, और जो जी जी है जेड है इसे हम डार्क लिखते हैं, और एम को हम इस प्रकार से लिखते हैं, एम को हम इस प्रकार से लिखते हैं, एन हमारा इस प्रकार से लिखाता है, इंग जो होता है एन जी इसे हम डार्क में लिखते हैं, हैबी डार्क में लिखते हैं, और जो एल है हमारा इस प्रकार से लिखाता है, और जो आर है वो हमारा इस प्रकार से भी लिखाता है और इस प्रकार से भी लिखाता है। तो मैं दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है ये मैं बताऊंगा आगे। और जो डब्लू है वे, वे हमको इस प्रकार से हुक लिखना पड़ता है, हुक के जैसा वे। और जो वाई है हमारा उल्टा लिखना पड़ता है, ये है ना। और जो एच है इसे भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक ये और एक ये। तो ये हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं आपको आगे का जो वॉवेल्स है, मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में बेस बता दिया, जो आगे का जो मेरा वॉवेल्स का वीडियो होगा वो आप ज़रूर देखें।